Hello everyone, after discussing physical property of metals, today we will discuss chemical properties of metal and non-metal. First of all, reaction with oxygen. सबसे पहले हम देखते हैं जब metals oxygen के साथ react करेंगे तो क्या करेंगे. Metal plus oxygen gives metal oxide, यानी कि metal जब oxygen के साथ react करते हैं तो वो अपने metal oxide बनाएंगे. For example, when sodium react with oxygen, then it will form sodium oxide. यानी कि सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो क्या बनाएगा वो सोडियम ऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जांपल इसी के ऊपर एल्यूमिनियम जो कि मेटल है, ऑक्सीजन जब इसके साथ कंबाइन होगी तो क्या बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब ये दोनों जो ऑक्साइड बनेंगे, यानी कि जितने भी ऑक्साइड मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद बनेंगे, वो सारे के सारे नेचर में कैसे होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, नेचर में बेसिक होंगे. एंड जिंक एंड एल्यूमिनियम, जो जिंक और एल्यूमिनियम जो मेटल हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक और ना एसिडिक कुछ नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स. और एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के बारे में आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है. एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, यानी कि जिनके पास एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी होती है, दोनों ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होंगे. नेक्स्ट, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन थी ऑक्सीजन की. अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे. नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड्स, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड्स. और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो अपने एसिडिक ऑक्साइड्स परफॉर्म करेंगे, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे. मेटल्स बेसिक बनाएंगे और नॉन मेटल्स एसिडिक बनाएंगे. सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर. मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस इज रिलीज्ड. जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और प्लस हीट भी इवोल्व होगी. और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर स्ट्रीम टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस. नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन वाटर सो दैट इट कैन बी रिलीज्ड एज H2 गैस. बिकॉज नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा हाइड्रोजन को वाटर के अंदर ताकि वो क्या परफॉर्म करे, H2 के रूप में कंबाइन होकर बाहर निकले. इस तरह की फॉर्मेशन वहाँ नहीं होती. थर्ड पॉइंट रिएक्शन विद डायल्यूट एसिड्स. डायल्यूट एसिड्स एज यू ऑल नो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं हमारे प्योर एसिड. डायल्यूट का मतलब है एसिड के अंदर वाटर ऐड करना. मेटल प्लस एसिड, जब मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो वो मेटल सॉल्ट बनाएगा, यानी कि और साथ में वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम मेटल हो गया, HCl हमारा एसिड है, वो क्या बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सेकेंड एग्जाम्पल सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी कि वहाँ से भी हाइड्रोजन इवोल्व हो जाएगी. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. और नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए. फोर्थ पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जब मेटल रिएक्ट करता है किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. CuSO4 प्लस जिंक कॉपर सल्फेट प्लस जिंक विल गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. एंड सेम केस विल अप्लाई इन नॉन मेटल. फॉर एग्जांपल सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि Br के साथ जब रिएक्शन होती है क्लोरीन की तो क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस में ब्रोमाइड. हाँ, और ये भी एग्जाम्पल किसका है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. सेकेंड है फिफ्थ पॉइंट है रिएक्शन विद क्लोरीन. मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड. फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड. सोडियम और क्लोरीन की जब रिएक्शन बनेगी तो वो सोडियम क्लोराइड देगा और यहाँ से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो आयोनिक, यानी कि आयंस के थ्रू बॉन्ड बना है. और आयंस एज यू ऑल नो आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कटायन एंड अनायंस. कटायन पॉजिटिव, अनायंस नेगेटिव. और लास्ट पॉइंट है इसी का नॉन मेटल प्लस क्लोरीन गिव्स नॉन मेटल क्लोराइड. कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. यहाँ बॉन्ड कोवलेंट बनेगा. H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. यहाँ से ये रिएक्शन रहेगी.
आज के लिए इतना ही, इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।